Ladies and gentlemen, boys and girls. Hello, namaste, alaikum, wala marhaba, assalamu alaikum. This is Omar Salim Khan. Welcome to my YouTube channel, MSK. अभी मेरे को समझ में नहीं आता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स मेरा इंट्रो है या मेरा हेलो नमस्ते वाला मेरा इंट्रो है, क्योंकि मेरे को अभी आदत सी हो चुकी है। अगर आप पिछले कुछ व्लॉग्स से नोटिस कर रहे होंगे तो मैं लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स ज्यादा करते रहता हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे व्लॉग में। एंड कैसे हैं आप लोग सब? मतलब मस्त, एकदम बढ़िया, खुशी हैं? अरे मतलब MSK के व्लॉग्स देखने वाले ऑलवेज खुश। लाइन चुराया हुआ है रेडियो मिर्ची का। देखो कितना सच्चाई है कि अगर किसी से चुराता भी है तो बोल देता है कि चुराया हुआ लाइन है। आज के व्लॉग में हम दुबई की बातें करेंगे। मैंने दो तीन व्लॉग पहले एक व्लॉग में कहा था कि आपके अगर कुछ सवाल है दुबई से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछना, तो आपके पूछे हुए सवाल दुबई के आंसर करेगा मुंबई में आपका मोहम्मद सलीम खान। जिस व्लॉग में मैंने कहा था कि आप अपने सवाल कमेंट कर दीजिएगा, उस व्लॉग में लगभग 4000 कमेंट है, तो मैं सारे कमेंट पढ़ नहीं पाऊँ, लेकिन मैंने जितने भी कमेंट पढ़े हैं उसमें कॉमन जो क्वेश्चन है वो ये है कि कितना खर्चा हुआ है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, और वो ड्रोन वाला कि आपने ड्रोन बिना कस्टम में फंसे मुंबई में कैसे लेके आए। तो यही बातें करेंगे अभी सब। एक तो मेरे घर में लैला मजनू, उनके बाल हर जगह रहते हैं और एक दो बाल उड़ के नाक के अंदर आ ही जाते हैं और मैं छींकते रहता हूँ, तो मेरे को सोते वक्त पूरा साफ करना पड़ता है। अभी लैपटॉप में भी उनके बाल गिरे हुए हैं, तो लाड़ मोहब्बत थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पहला जो सवाल आप लोगों का था कि क्या प्रोसेस था पूरा, डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। यहाँ से जब हम लोग निकले थे तो 96 आवर पहले का एक कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तो हमने वो लेके गए थे साथ में। वहां पर जब पहुंचे थे हम लोग तो वहां पर एक हमसे फॉर्म साइन करवाया था, मे बी डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो, और वीजा कॉपी, ऑब्वियसली बात है टिकट। दुबई एयरपोर्ट पहुंचे, दुबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में हमारा सबसे पहले कोविड टेस्ट हुआ, मतलब वो फ्री में हो गया तुरंत तुरंत। उसके बाद में इमिग्रेशन से क्लियर होके हम अपने होटल पहुंचे। जब ये टेस्ट हुआ था, देखो ये जो है ना, ये उन्होंने पासपोर्ट पे चिपका दिया था, ये उन्होंने पासपोर्ट पे चिपकाया, वहां से निकाल के मैंने यहाँ चिपका दिया। जो रूल था वो ये कि 24 घंटे के अंदर जब तक रिजल्ट नहीं आता है हमें अपने होटल में ही रहना था, लेकिन हम बाहर निकल सकते थे, कोई पूछने वाला वैसे भी था नहीं। लेकिन अगर कुछ हमसे गलती हो जाती, क्योंकि वहां पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है ना, दो तीन लोगों ने बोला है कि बिना जेब्रा लाइन के हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे और वहां पर दुबई में होता है सीक्रेट पुलिस, मतलब ऐसे नॉर्मल पब्लिक की तरह होंगे, लगेगा नहीं आपको पुलिस है, जब आप ऐसे नॉर्मल रोड क्रॉस कर लोगे वहां पर आएंगे चड्डी बनियान में कार्ड दिखाएंगे CID और फिर आपको अच्छा खासा दिरहम फाइन लगेगा। ऐसा कुछ हो जाता, अभी हम नए नए गए हमें रूल नहीं पता है, कुछ गलती से भी गलती अगर हो जाती फिर पूछता कि अच्छा ठीक है आपका पासपोर्ट दिखाओ कब आए यहाँ पर, अगर तब उन्होंने अगर तभी पकड़ लिया होता तो फिर लेने के देने। तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हमने 24 घंटा मतलब होटल में रुके थे और रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, मतलब अगले दिन जब हम लोग दोपहर में सो के उठे दोपहर में ही रिजल्ट आ गया था, एकदम फास्ट था। अब ये तो था जाने का, आने का रूल ये था कि आने के लिए नेगेटिव सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको करा लिया था क्योंकि हमें डाउट था। डिक्लेरेशन फॉर्म उन्होंने साइन करवाया था, उसको देख के थोड़ा सा ऐसा लगा अपने को कि थोड़ा डर लगा। उसके बाद जब मुंबई पहुंचने के बाद में जिन जिन लोगों ने नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके नहीं ट्रैवल किया था उनका वहां पर टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में फिर उनको क्वारंटीन वाला भी सीन था, जो बाकी के लोग थे वहां पर मुंबई में अलग अलग काउंटर था। अगर जैसे मुंबई में उतरे तो कोई अगर ठाणे में जा रहा है, कोई नवी मुंबई जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, तो मुंबई के काउंटर में हम लोग गए थे। मुंबई के काउंटर में उनका पूरा फॉर्म वॉर्म था सब फिलअप करके हमने वहां पर दे दिया और हमें कहा गया कि आप 3-4 दिन तक घर पे रहिएगा और अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखता है तो कोविड टेस्ट करा के अगर आपको अपना जरूरी काम कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अपने घर पे ही रहना, अगर काम नहीं है तो घर पे ही रहो, वही ज्यादा बेटर था। तो ये उन्होंने पूरा बात करके हमें पहुंचा दिया। तो ये था यहाँ का प्रोसेस। अब जो सवाल है द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि खर्चा कितना हुआ, कैलकुलेटर निकाल लो सब लोग, मैं अपना एक्सेल शीट खोलता हूँ, कैलकुलेटर निकाल लो सब लोग अच्छे बच्चों की तरह कैलकुलेट करो। अरे कूटे गेला छे आईला डेढ़ ला। फ्लाइट का जो खर्चा आया था रिटर्न मेरा और पूनम के मिला के 39,900 समथिंग, तो 40,000 लिख लो। अभी जो मैं आपको खर्चा बताऊंगा वो सिर्फ मेरा है, कुछ रुपए में कुछ धीरम में, यहाँ पर थोड़ा वो भी कैलकुलेट कर लेना क्योंकि कैलकुलेटर आप लेके बैठे हो मुझे पता है। तो पहले जो होटल में रुके थे हम लोग समाना, वहाँ पर 4 रातों के लिए रुके थे, वहाँ का खर्चा आया था 16,000। फिर उसके बाद में अलसी फेरिटेज में रुके, उसका 2 नाइट का खर्चा 10,000। वीज़ा प्लस इंश्योरेंस का जो खर्चा आया था वो आया था 7,000। तो बुर्ज खलीफा जो गए थे 148 फ्लोर पे वो हुआ था 359 दिरहम पर पर्सन। फिर उसके बाद में एक्वेरियम का जो कि हम लोगों ने बुक किया फिर गए नहीं, उसका था 85 दिरहम पर पर्सन। दुबई फ्रेम का खर्चा था 50 दिरहम पर पर्सन। डेजर्ट सफारी का खर्चा आया था 300
12 पर पर्सन दिरम, डाव क्रूज का 100 दिरम पर पर्सन, एयरपोर्ट टू होटल का जो टैक्सी का खर्चा था वो था 125 दिरम, फिर इसके बाद में होटल टू एयरपोर्ट का जो खर्चा आया था वो भी 125 दिरम था। बस ये मोटा मोटा खर्चा है, बाकी छोटा छोटा खर्चा बहुत है यहाँ पर यार, उसमें कोई बताने लायक खर्चा है। हाँ, एक कोविड टेस्ट जो हमने वहाँ पर कराया था वो था 150 दिरम पर पर्सन। हम लोग दुबई फाउंटेन देखने के लिए गए थे नज़दीक से देखने का, उसका भी यहाँ पर लिखा है 20 दिरम। क्या बारीकी से लिखा है सब कुछ यार। इसके अलावा जो आपको पता होगा, हम लोग कहीं पर भी जाते थे तो उस्मान हमारे साथ चलता था, तो वो जो टैक्सी का खर्चा था उसका आप समझ लो 200 दिरम पर दिन का, यहाँ वहाँ जो भी होता था उस हिसाब से कैलकुलेट कर दो। और कितना होता है थोड़ा कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने टोटल नहीं किया, मेरे को जो जो मिला मैंने एक्सेल शीट में लिख दिया है, कहीं पे रुपया में लिखा हूँ, कहीं दिरम में लिखा हूँ, इतना लोड लिया ही नहीं मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं है यार। कितना कुछ करना है अपने को, भी कल निकलना भी तो है अपने को राइड में। कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि कस्टम से ड्रोन निकालना कोई ट्रिक है, ट्रिक व्रिक नहीं है, मैं बताता हूँ असली बात क्या है। असली जो बात है वो ये, अगर आपका लक अच्छा है, देखो मैंने ड्रोन लिया, मैंने सारे बॉक्सेस वहीं पर ही रख दिए, और ये जो फंडा मैं आपको बता रहा हूँ पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे फॉलो करोगे और आपका ड्रोन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी पैकेजिंग था उसको निकाल के मैंने रख दिया, और ड्रोन को मैंने ऐसा बना दिया जिससे लगे कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। और ड्रोन मतलब, अरे इतना सा ड्रोन है यार, अगर बड़ा ड्रोन होता तो शायद लोग समझते कि यार ड्रोन लेके जा रहे, इतना सा ड्रोन पता ही नहीं चलता वो। तो ड्रोन का साइज छोटा था इसलिए मैंने वो रिस्क लिया, अगर ड्रोन बड़ा होता तो प्रॉब्लम होती। जब कस्टम क्लियर कर रहे थे तो एक ऑफिसर ने मेरे को पकड़ा वहां पर, वहां पर मेरा 10 मिनट गया है। वो सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि मैंने कोई गोल्ड लाया कि नहीं लाया, तो ज्यादातर गोल्ड वोल्ड की चेकिंग होती है, ये सब जो कैमरा वैमरा अगर आप लेते हो तो इतना कुछ होता नहीं है। जैसे आपने कैमरा लिया और उधर पे बॉक्स वॉक्स रख दिया, ऐसा लग रहा है कि आप यूज कर रहे हो, जैसे आपके हाथ में एक फोन है, एक फोन और लेके आ गया, तो इतना कुछ नहीं होता है, मतलब वो लोग का मकसद कुछ और है। लेकिन वही है, जब कोई महंगा चीज है अगर कोई नजर में आती है तो थोड़ा बहुत उसमें होता है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और ये व्लॉग अभी बनाना जरूरी था, अगर अभी नहीं बनाता ना, क्योंकि दुबई की एक बार मैं अपने राइड पे निकल लूंगा ना, उसके बाद दुबई की बात दोबारा नहीं होगी। तो दुबई की बात खत्म, दुबई का ट्रिप खत्म, दुबई का Q&A खत्म, अब मिट्टी डालो, अब नया शुरुआत होने वाला है। बाबा टेकर, खुदा हाफिज। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बस लाइक भी करके जाना, शेयर भी करके जाना, जो होता है वो करके जाना मेरे दोस्त। बाबा टेकर, खुदा हाफिज। लिव लाइफ, लिव योर ड्रीम। अभी एक पार्सल डिलीवर हुआ है जिमी भाई की तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगा कल। और उस बंदे को मैं पैसा दे रहा था तो मैंने वॉलेट चेक किया, वॉलेट में हमारे है इतने सारे दिरहम मेरे पास अभी बचे हुए हैं, इसको एक्सचेंज करवाना है।